सो हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के हो चुके हैं 10 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर सब्जी लेने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मुकुल जा रहा है, मतलब मुकुल ही जा रहा था तो मैं बस उसके साथ, मैंने बोला कि मैं भी चलता हूँ, थोड़ा कुछ ब्लॉग भी बन जाएगा। तो वॉलेट ले लेते हैं, कुछ दिखेगा तो खरीद लूँगा। वॉलेट कहाँ चला गया? वॉलेट ये सब देखो, सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। वॉलेट सब बंद कर देते हैं, हो जाएगा। तो अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो वहाँ से आऊँगा, उसके बाद नहावा लूँगा। तो चलते हैं, अभी पानी गर्म हो रहा था। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। क्या से जाओगे? सीढ़ी देखो ना, कितना खतरनाक सीढ़ी है यहाँ का। घर का याद आ जाता है, हम लोग के घर पे भी ऐसे ही है ना सीढ़ी। इसे मैं ले चलो, तो इसमें सामान भी रखने सकेगा तुम आगे। सो गाइस, अभी हम लोग जाएंगे स्कूटी में एंड देखिए अम्मा जी को ऊपर। कपड़ा पसा रही है। अभी चलते हैं बाहर। बाहर स्कूटी निकलेगा कैसे रे? हो गया क्या? ऐसे जाएगा हम लोग? सुबह सुबह किक स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट हो गया। रुको रुको, हम निकाल रहे हैं। चलो, अरे क्या हो गया? ये क्या मजाक? अरे अरे रुक रे, रुक भाई। हाँ, आधा बैठा हुआ था ना। कितना दूर है? उतना दूर? हाँ, डिलीवरी बॉय, ईकॉम एक्सप्रेस। ये देखिए इतना ऊंचा है यहाँ पे, इसी से मुझे याद रहता है इस ये रास्ता। यह इतना सारा बफेलो है, देखिए भैंस 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 भैंस। एक पोंछ मार दिया था, हो गया मेरा। कॉल कॉल कॉल, यहाँ पे कॉल भी है। कॉल लेना था ना? चल चल आगे से आएंगे, चल देखा ले। आगे नहीं मिलेगा तो फिर आके यहाँ से लेंगे। हैं घर के आसपास ही सारा सामान मिल जाता है। जलेबी वलेबी सब तल रहे हैं सुबह सुबह, जो हम इतने सालों से फ़ोन में देखते थे, यूट्यूब में, वो सब आज रियल मुझे दिख रही है सब सुबह के टाइम। जलेबी पकौड़ा। बाहुबली का गाड़ी आ रहा है। जबड़ा गाड़ी, यही है गली कूड़ा, उसमें लिखा हुआ है यही है गाड़ी वाला कचरा लेने आया। वो यही कह रहा था ना उस टाइम में। कावड़िया इसे दे। देखिए यहाँ पे ऐसा ठेला है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत, यहाँ पे आदमी नहीं ठेलते ठेला, आदमी लोग नहीं चलाते ठेला। चलाते हैं मतलब बिना घोड़ा गाड़ी का चलाते हैं वो। गाइस देखिए यहाँ पे जूस शॉप इतना छोटा, लेकिन यहाँ पे भी फ़ोन पे का यूज़ किया है मैक्सिमम। छोटे छोटे दुकान में फ़ोन पे एडवांस नहीं है ना। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, है ना। अभी टाइम हो रहा है करीब 1:30 हो रहा है। तो ये मेरा खाना, रोटी चटनी सब्जी दाल। इसका डिज़ाइन ऐसे दिया हुआ रहता है क्या? और चूल्हा तो मेरी मम्मी बनाई है, तो काट कूट के तो इसमें से निकलेगा फूल। और इसमें से ये कैसा डिजाइन? और ऊंचा पानी बिना मिट्टी के उग जाता है कभी, तो और ऊंचा कर देगा इसको। सो गाइस बहुत ज़्यादा धूप है ना, हम लोग है ना, अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, 3 बज रहे मतलब। खाना वाना तो खा लिया था, तो ऐसे धूप सेकने के लिए आए हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था नीचे। 2 दिन से धूप दे रहा है, तो इसलिए
मौसम बहुत अच्छा लग रहा है अभी, एंड कल बारिश दे दिया तो ऐसा लग रहा था कि हो गया आज, मतलब फाइनल था आज का धूप, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक धूप देना चाहिए बस। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? गंगा नदी ना, तो गंगा नदी के वहाँ पे जा रहे हैं। अभी टाइमर है 4:30 एंड अभी होगा अंधेरा, करीब एक घंटा बाद होगा ना अंधेरा, आई 5:30 होता है, तो अंधेरा एक घंटे बाद होगा, तो उतना देर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा एडिट करना बाकी था तो वो कर रहे थे, एंड अभी निकले हैं। अभी और एक काम भी है, अम्मा जी का चश्मा दिखवाना है तो वो भी दिखाना है, वो भी दिखा देंगे। मशरूम लेना है क्या वापसी? हाँ वापसी में मशरूम भी ख़रीदना है, आज डिनर में मशरूम बनेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, पासी में, तो आ गए हम नगर निगम स्वर्ग तो हमारे इधर नहीं, हम सोचा इधर जाना पड़ेगा। स्पॉन्सर्ड बाई योर बाबा ऑलवेज ना। तो आ गए हम लोग गंगा नदी, तो ज़्यादा दूर नहीं है, देखा ही आपने, थोड़ा देर ही लगा, मतलब थोड़ा कट किया था मैंने बीच में, लेकिन तब भी 5-10 मिनट ही लगा, 5 मिनट ही लगा होगा मुश्किल से। आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर, अच्छा आधा किलोमीटर है। तो गाइस देखिए यहाँ पे गंगा नदी, वो उस तरफ भी लोग नहा रहे हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, ये रहा, ये लोग नाव से उस तरफ जाके नहा रहे हैं, बहुत कोई लोग इधर ही नहा रहे थे ना। इधर गहरा है क्या? इस तरफ, इस तरफ से, मतलब इस तरफ से नहीं नहाते हैं एकदम वहाँ पे, देखिए एकदम आगे देखिए, वहाँ पे चिता जल रहा है, शमशान घाट है वहाँ पे। सो गाइस वहाँ देखिए आगे में एक जो पिलर दिख रहा है रेड कलर का, तो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पे कुछ स्पेशल है, तो क्या है वहाँ पे जाके देखते हैं। इस तरफ से चलते हैं, इस तरफ से तो चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सीढ़ी है, तो सीढ़ी से उठ के जाना पड़ेगा। तो देखिए मेरे बैक साइड में कितना ज़्यादा भीड़ है, तो देखिए यहाँ पे सीढ़ी है, तो यहाँ से उठ के वहाँ चलते हैं एंड देखते हैं वो है क्या। तो ये है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक, इसके मतलब यहाँ पे वो उनको वो किया गया, मतलब यहाँ पे समाधि बोलते हैं ना, वो इसलिए इसको बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी है अंत्योष्टि स्थल हैं, तो ये देखें यहाँ पे भी बनाया हुआ है। हाथ में क्या लिया है वो? पिस्तौल ले गया अपने आप गोली मारने पर। अच्छा हाँ, एंड इनके नाम पे एक पार्क भी है, तो समय मिलेगा तो कभी वहाँ पे भी जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 6 किलोमीटर। अच्छा सर, वो पीछे क्या है? वो मंदिर है, और इधर में वो क्या है ढाका हुआ शिव जी का ये कुछ। तो गाइस देखिए यहाँ पे चीता जल रहा है कितना सारा, यहाँ पे भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, डेली रहता है ना ऐसा है, कोई ना कोई 4-5। हम लोगों ने बहुत देर रुका यहाँ पे, करीब आधा घंटा, तो अभी चलते हैं वापस कहीं और। बोलो भैया, दो चाय चाय 15। यहाँ पे पिया हुआ तो उस बार जब आया था तो भी पिया होगा हम, आज 10 साल बाद पी, 10 नहीं 11 साल हो गया था, तो 11 साल बाद मैं ये चाय पी रहा हूँ इसी जगह पे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे पिया था, करीब 11 साल हो ही गया होगा। मुकुल का बाबा थे, स्पॉन्सर्ड बाई मुकुल बाबा, तब के टाइम पे 11 साल पहले जब मैं आया था, तो यहाँ पे नदी में मैं नहाया था, उसके बाद यहाँ पे चाय पी रहा था मैं।
सो गाइस अभी जो हम लोगों ने चाय पिया कूलर वाला चाय वो 7 रुपये का था एंड अगर आप नॉर्मल कप में लोगे तो वो 6 रुपये, तो 1 रुपये का डिफरेंस है। मतलब इस वाले दुकान में था 1 रुपये का डिफरेंस, अब बाकी होगा तो नहीं पता कितना लेते। तो मैं सोच रहा था 10 रुपये लेगा क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग का वहाँ नॉर्मली जो डिस्पोजल वाला कप में मिलता है वो 10 रुपये लेता है या फिर नॉर्मल कप में, लेकिन कूलर वाला कप तो नहीं मिलता वहाँ पर हम लोग के वहाँ पर तो नहीं मिलता। मेरे मतलब मैं जिस टाउन में रहता हूँ वहाँ पर नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोग को पता ही है शाम को जब मैं जाता था चाय पीने के लिए वहाँ पे ग्लास वाला शीशा मिल मतलब शीशा वाला कप मिलता था, ग्लास वाला शीशा बोल रहा था। तो यहाँ पे मैक्सिमम जगह में कूलर मिलता ही है ना, कम से कम ना भी हो तो 1% लोग ही हो गए मतलब रखता ही। मैंने अभी तक जितना देखा मतलब आते टाइम भी देखा, ऐसे घूम रहा हूँ तब भी मैं देख रहा हूँ, तब भी सब जगह मैक्सिमम कूलर वाला ही चाहिए, मतलब कूलर रहता ही है। वो डिस्पोजल भी रहता है लेकिन कूलर मैंने देखा है सब जगह रहता ही है, मतलब आपको जिसमें मन है आप पी सकते हैं, अगर आप ना बोलो तो बोलो कूलर में ही। बहकी सभी जुबां है हम है हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा